सो फ्रेंड्स, अब हम इंश्योरेंस कंपनी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं। प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट ऑफ जैस्मिन फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज पर एडा रेगुलेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। क्लेम पेड दे रखें, लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कमीशन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोविजन अनएक्सपायर्ड रिस्क का दे रखा है, क्लेम की आउटस्टैंडिंग दे रखी है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड रिस्क पे हमें 50% से प्रीमियम बनाना है, सॉरी 50% ऑफ नेट प्रीमियम हमारी अनएक्सपायर्ड रिस्क रहेगी। चलिए, तो हमें रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, तो रेवेन्यू अकाउंट का पहले एक फॉर्मेट खींचे, रेवेन्यू अकाउंट, ये हमारा फॉर्म भी RA रहता है, उसमें बनता है। इसमें हम वैसे ही लिखते हैं रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दैट। ठीक है, ये हाफ पेज में हमारा रेवेन्यू अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे शेड्यूल नंबर और ये अमाउंट। नंबर वन पे आता है प्रीमियम अर्न्ड ब्रैकेट में नेट, नंबर टू पे प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर थ्री पे अदर, नंबर फोर पे इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट, और ये होता है ग्रॉस। ये हमारा टोटल आ गया ए। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग नंबर वन क्लेम इनकर्ड नेट, नंबर टू कमीशन, नंबर थ्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। ये शेड्यूल नंबर 2, 3, 4 होता है, ये एक। इसके बाद इसका टोटल हम लिखते हैं टोटल बी, ये आता है फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिलेटिंग टू इंश्योरेंस ए माइनस बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप याद रख लें, बार बार प्रैक्टिस करने से याद भी हो जाएगा। अब हमारा शेड्यूल वन बनता है प्रीमियम अर्न्ड नेट। ठीक है, यहां पे लिखते हैं हम प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ऐड करते हैं प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड, लेस करते हैं प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रीमियम आता है। फिर हम इसमें करते हैं एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो ये आ जाता हमारा प्रीमियम अर्न्ड नेट। ठीक है, यहाँ वर्किंग नोट वन बनता है किस चीज के लिए, चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। चलिए अब इस डाटा को प्लेस करते हैं। हमारे पास प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है 12,50,000 और 50,000 हमने पे किया है, तो ये है हमारा 12,50,000, ये निल है, ये 50,000 है, तो ये हो गया 12,00,000। ठीक है, अब आगे देखें,
हमारी रिजर्व है 5,75,000 की और हमें 50% पर बनाना है, ठीक है। तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2012 ये हमारा 5,75,000 है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31 मार्च 2013 ये 12,50,000 6,00,000 हमें 6,00,000 रखना है। तो चेंज कितना आया है, ये हमारा एडिशनल प्रोविजन बनाना है। इसका एडिशनल प्रोविजन होगा तो हम इसमें से कम करेंगे और ये बनेगा हमारा प्रीमियम 11,75,000, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे हम शेड्यूल बनाते हैं क्लेम का। शेड्यूल टू, क्लेम इनकर्ड नेट। तो हम लिखेंगे क्लेम इनकर्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे तो क्लेम इनकर्ड की जगह अब सीधा हम पेड करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लस करेंगे हम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम, ठीक है। प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम 31 मार्च 2013, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन 1 अप्रैल 2012, ठीक है। चलिए तो क्लेम पेड हमारा है 5,10,000 रुपये हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये हो गए हमारे 5,10,000, ठीक है। अब इसमें से नीचे दिए हैं 80,000 एंड 50,000, तो नेट बचा हमारा 5,40,000, ये आया हमारा क्लेम इनकर्ड नेट। चलिए शेड्यूल थ्री होगा हमारा कमीशन का, ठीक है। सो कमीशन हमने दिया है कितना है क्वेश्चन में, 3,00,000 रुपए का, और शेड्यूल फोर होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हमारा एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं 2,00,000 रुपए। इन सब को आप रेवेन्यू अकाउंट में प्लेस कर दें। ये हमारा आया हाउ मच, 5,40,000, ये 3,00,000 और ये 2,00,000, 1,175, 10,40,000, 1,35,000, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मेट याद है तो ये बिल्कुल बच्चों का काम है। चलिए आइए।
आई होप सब चीज़ क्लियर चल रही है। थैंक यू।